केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 70 साल की उम्र में माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। माधवी राजे सिंधिया का पिछले काफी लंबे वक्त से दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा था। वह काफी दिनों से लंग्स इन्फेक्शन से पीड़ित थी और गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया था। नेपाल के राजघराने से संबंध रखने वाली माधवी राजे सिंधिया के दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के पीएम थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे माधवराज सिंधिया के साथ विवाह से पहले उनका नाम प्रिंसेस किरण राज लक्ष्मी देवी था। साल 1966 में उनका विवाह ग्वालियर के सिंधिया राजे परिवार के माधवराव सिंधिया के साथ हुआ। मराठी परंपरा के अनुसार शादी के बाद उनका नाम बदलकर माधवी राजे सिंधिया रखा गया। पहले वह महारानी थी, लेकिन 30 सितंबर 2001 को उनके पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उन्हें राजमाता के नाम से पुकारा जाने लगा। आपको बता दें कि यूपी के मैनपुरी के पास एक विमान हादसे में 55 साल की उम्र में माधवराव सिंधिया का निधन हो गया था। दरअसल लोकसभा चुनाव की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार गुना और शिवपुरी के दौरे पर थे। हालांकि सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया चुनाव प्रचार को छोड़ माधवी राजे सिंधिया की देखरेख के लिए दिल्ली में ही मौजूद थी, जबकि ज्योतिरादित्य के पुत्र महा आर्यमन सिंधिया भी अपने प्रचार का कार्य छोड़ दिल्ली पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ ग्वालियर में होगा। इस दौरान देश के बड़े नेताओं के वहां मौजूद रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।